क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मेरी मेरी बात तो चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं जब का दामन छोड़ दूँ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। उस लड़के के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी और आप ही की रहूंगी, आखिरी सांस तक आपके प्यार में। मोहब्बत प्यार का धोखा बहुत खा लिया मैंने। तो भरोसा किया था ना, मैंने खुद पर से भरोसा उठ गया। क्या 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 आपको अपनी शादी पे यकीन नहीं? कानों सुना झुटलाया जा सकता है, लेकिन आपको देखा कैसे झुटलाऊं मैं? कितने पर्दे उठाने बाकी हैं अब? वो मुझसे नहीं, ज़ुबिया से मिलने आया था। अपने करतूत अपनी बहन के सर पे थोप रही हो? कितनी खुदगर्ज़ हो गई हो तुम? तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं, और मेरे बेटे के साथ अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कैसे नहीं जाओगी तुम? चलो चलो। एमए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात पे यकीन करो। यकीन तो तुमने खत्म कर दिया मेरा। आज से मेरी जिंदगी में, इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं बची। जाओ यहां से। इस जिंदगी से निकालने से पहले सिर्फ एक बार मेरे साथ हॉस्पिटल जाओ। ज़ुबी को होश आ गया, वो सबके सामने अपनी अब्बा के सामने सच्चाई बता देगी, उसके बाद जो कर जो फैसला लेना मुझे कबूल हो। प्लीज अमन, ये सुन तो मेरी बात। नहीं अमन, तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगे। कैसे होगा बेटा, कमजोर हो गई हो इतनी। अच्छा चलो फ्रूट काट देते। आपने बच्चों को बताया था ना कि मैं होश में आ गई हूं, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? सुबी, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितनी दुआएं मांगी है मैंने। तुम ठीक हो ना बच्चों? देखो तुमसे कौन मिलने आए। आप कैसे हैं अमर भाई? मैं ठीक हूं सुबह, शुक्र है। तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर है, तुमसे ऐसा बात करना बहुत जरूरी था। आज अम्मी अबू के सामने, हेमर के सामने सब कुछ सच बताना। उस दिन जो कुछ भी हुआ था, डॉक्टर ने इसे ज्यादा बोलने से मना किया। जाओ यहां से। नहीं अंकल, ये जो बात है ये सुनना बहुत जरूरी है। अम्मी अबू उस दिन उमेर मुझसे नहीं मिलने आया था। अच्छा, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुमने सिर्फ सच बोलना है, ठीक है? खामोश हो जाओ। आज खामोश हो गई अबू तो मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अमर को मुझ पे यकीन नहीं रहेगा। ज़ुबी प्लीज बता दो ना सबको सच क्या है, प्लीज ज़ुबी। क्यों झूठ बोल रही हो बच्चों? मैं तो नहीं जानती उमेर कौन है, उसका ताल्लुक तो तुमसे है ना। ज़ुबी, कितना मना किया था तुम्हें, कितना समझाया था कि अमर भाई को धोखा मत दो,
पैर से मत मिलो। खामोश हो जाओ जूबी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सबको सच क्यों नहीं बता देती हो? सिर्फ तुम्हारी मेहनत करने पर इसकी बात सुनने आया था मैं। सुन लिया मैंने सादिया, मैं तुम्हें तलाक देता। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कांच के जैसा तेरा था रिश्ता, एक आहट से टूट गया है, टूट गया है। क्या हुआ इसे? सर में बहुत दर्द हो रहा है। जूबिया आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? एक मिनट, इंजेक्शन लगाओ फौरन से। बस अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी ये। देखें, ये अभी मौत के मुंह से वापस आई है। आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कोई भी ऐसी बात इसके सामने नहीं करनी चाहिए ताकि इसे कोई स्ट्रेस या टेंशन ना हो। अल्लाह का वास्ता है डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा ले। सबसे पहले तो ये रोना धोना बंद करें। इंजेक्शन दिया है इसे, ठीक हो जाएगी ये। इनको रिलैक्स रखें और कोशिश करें कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सीनत, हौसला करो, तेरी बच्ची ने बड़ी तकलीफ उठाई है। दुआ करो अल्लाह ताला इसके लिए बेहतरी कर दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आप प्लीज इसे रेस्ट करने दें, ठीक है? सुबह तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया। अल्लाह मेरी बच्ची पर है। सादिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अहमद, क्या हुआ बेटा? रिश्ता खत्म कर दिया मैंने, तलाक दे दी उसको। खामोशी क्यों है? इतनी खामोशी क्यों है?
कहा सारे? कोई बोलता क्यों नहीं है मेरा दम घोट रहा है? तुम्हें मुझ पे इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो क्यों बोल रही है? तुम्हें तो देख क्यों किया मेरे साथ? क्या क्या? मुझे बर्बाद कर दिया उसने, मुझे बर्बाद कर दिया। एबल ने भी नहीं मेरी सुनी। एबल मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। तेरा था रिश्ता एक आहट से टूट गया है, टूट गया है। तू जो बदली बदला जमाना, मेरा खुदा भी रूठ गया है। बोल रही है बच्चों, मैं तो नहीं जानती हूँ मेहर कौन है। उसका ताल्लुक तो तुमसे है ना? कितना मना किया था तुम्हें, कितना समझाया था कि अमर भाई को धोखा मत। इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी बातें झूठी, तेरी वफादारियां। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? या अल्लाह, अमर बेटा, उसने समझा क्या मुझे? क्या समझा उसने मुझे? कौन हूँ मैं? खुद तो संभालो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होने वाला, कुछ नहीं ठीक होगा। मेरे ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। झूठ बोल रही है बच्चों, मैं तो नहीं जानती हूँ मेहर कौन है। उसका ताल्लुक तो तुमसे है ना? नहीं, झूठ था ये सब, गलत कहा तुमने। ये क्या किया तुमने? या अल्लाह, क्या गुजर रही होगी उस पर। हामिद के आते ही घर जाऊंगी, सीने से लगाऊंगी अपनी बच्ची को। ना पूछ रहा हूँ, बताओ कौन था वो? क्या पूछ रहा हूँ तुझसे? बता क्यों नहीं रही? क्या किया तूने? मेरे खुद ही किया। तू आज बंद कर अपनी। आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। और ये तेरी बहन की हालत,
वो मरे या जिए तुझे उससे क्या? तू कॉल मिलाओ उस लड़के को, कॉल मिलाओ उस लड़के को, मिला कॉल, कितना फोन मिला उसको, कितना फोन तेरा। उमेर सादिया, हेलो हेलो उमेर, मैं उमेर की मदर बात कर रही हूँ, आप कौन? आप प्लीज बैठिए तो सही। नहीं बैठूंगा मैं, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आप अपने बेटे को मेरे हवाले नहीं कर देती। वो इस वक्त घर पर नहीं है वरना मैं। गलत गलत बात कर रही हैं आप, छुपा बैठा होगा अंदर कहीं, झूठ बोल रही हैं आप। झूठ मैं नहीं बोलती, और आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं? मेरी बेटी का निकाह हो चुका था। मैं नहीं मान सकती कि उमेर ऐसा कर सकता है। तो बुलाइए ना उसे, वो भी मानेगा और आप भी मानेंगी। देखिए हम शरीफ लोग हैं, और मैंने अपने बेटे की तरबियत इस तरह से नहीं की कि वो कोई घटिया या गिरी हुई हरकत करे। आपको जरूर को गलतफहमी हुई है। वाह, बेटे की मां है ना, इसीलिए सर उठाकर बात कर रही है। बेटी का बाप होने के बावजूद डट कर आपके सामने खड़ा हूं। मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद की है उसने। आप जितने मर्जी पर्दे डाल ले, छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालती है। गलती? गलती बहुत छोटा लफ्ज है मोहतरमा। तलाक हो गई है मेरी बेटी को आपके बेटे की वजह से। मेरे और मेरे खानदान की इज्जत ताव पर। सदील कमीने, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हैं आप? इससे पूछे ना, ये मेरी बेटी के साथ मेरे घर में क्या कर रहा था? अंकल मैंने कुछ गलत नहीं किया। मॉम मैं सिर्फ सादिया से मिलने गया था, बस और कुछ नहीं। सुन लिया आपने, अभी थोड़ी देर पहले आप अपने खानदान की शराफत की बात कर रही थी, सुन लिया अपनी बेटे के जुबान से? मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं नहीं जानती थी कि ये सादिया को जानता है या उसे पसंद कर रहा है। उसे पसंद नहीं करता, नहीं करता मैं उसे पसंद। मैं सुबी से प्यार करता हूँ और सुबी भी मुझसे प्यार करती है। खबर तो, और तो मेरी मासूम बेटी का नाम लिया अपनी जुबान पर, तो आप ये बात जाकर अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? पूछ लिया मैंने उससे, उसने सादिया के सामने कह दिया कि वो तुम्हें नहीं जानती। नहीं अंकल ऐसा नहीं हो सकता, आप चले, आप मेरा सामना कर रहे हैं, चल के सुबह से। अरे तो तुम एक और ड्रामा रचा रहे हो तुम सादिया के साथ मिलकर, अपना किया उसके सर पे थोपना चाहते हो। नहीं होने दूंगा मैं ये, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, सादिया को भी नहीं छोड़ूंगा। किसी का गला दबाना ही है तो जाके अपनी बेटी का दबाए ना, निकाह होने के बावजूद मेरे भाई के साथ। संभल, जाओ यहां से। मामा सुबह, जाओ यहां से।
उमेर तुम रुको। आपकी बेटी की जिंदगी मेरे बेटे की वजह से खराब हुई है। अब आप बताइए कि क्या करना है। जिस रिश्ते ने अजियत दी उसे तो खुद खत्म कराए, अब अजियत में क्यों बैठे हो? असील रिश्ता टूटने के नियम में बेवकूफ बनने की, अपराध धोखा खाने की, ऐसी तो नहीं थी अम्मी वो। हमसे पहचानने में गलती हुई, जैसी थी खुलकर तो अब सामने आई है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बुलाऊंगा मैं। बेटा खुद को मजबूत करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। बस कर दो ना बेटा, वहशत होने लगी है मुझे इस सन्नाटे से, खामोशी से। चलकर मेरे साथ बाहर बैठो, चलो उठो, बस करो, आओ मेरे साथ बाहर बैठो, चलो ना बेटा। चलो मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, सरासर इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। कोई किसी पर इल्जाम लगाने के लिए अपनी बेटी का नाम नहीं लेता उमेर। तुम्हारी वजह से उनकी बेटी का निकाह टूट गया। मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से टूटा उसका निकाह। उसने क्यों पकड़ा मेरा कॉलर, क्यों उसने मेरे शर्ट के बटन तोड़े? शट अप उमेर, जस्ट शट अप। मेरे सामने अपनी बहन के सामने तुम जस्ट डिस्गस्टेड विद यू। कब से जानते हो उसे? मॉम आई स्वेयर टू गॉड मैं उसे नहीं जानता, मैं जूबी को जानता हूं, जूबी मेरी दोस्त है। मैं सबसे किसी मोहब्बत करता हूं। तुम हो कौन? औकात क्या है तुम्हारी? अभी किसी काबिल तो हुए नहीं हो और मोहब्बतें सूझ रही है तुम्हें। तुमसे ज्यादा मुझे खुद पर शर्म आ रही है। आपको शर्म आ रही है ना मुझ पे? मुझे मारे ना, मारे मारे, मुझे जान से मार देना मुझे। क्या कर रहे हो, पीछे हटो। मॉम मैं पर यकीन करें, अगर वो कह रहा है कि सादिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, हाँ नहीं था, लेकिन अब बन गया है। जो कुछ वो कहकर गए हैं अब वैसा ही होगा। नहीं मॉम, वैसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है फिर, जाओ यहां से, जाओ जाओ, गेट आउट। और मैं मर भी जाऊं ना तो इस घर में वापस मत आना, और सुंबुल इसे मेरी वसीयत समझ लेना। गेट आउट ऑफ माय वे। सुबह सुबह तुम मेरी बात समझ, मेरी बात समझ रही हो ना? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये बात जाके मॉम को समझाओ, जाके समझाओ उन्हें। अच्छा मैं करती हूँ।
मामू मेहर को मुझे कोई बात नहीं करनी सुबह, लेकिन मुझे बात करनी है। बोलो क्या है? किसी गैर लड़की के लिए आपने उसको इतना कुछ सुना दिया। तुम्हें कुछ आइडिया है सुबह कि तुम्हारे भाई ने कितनी बड़ी हरकत की है? उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ जूबी से दोस्ती की है। इस उम्र में किसकी दोस्तियां नहीं होती। मैं किसी और की नहीं बात कर रही, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन मॉम, मुझसे बहस मत करो। मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना फैसला बदल लें, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए फैसला बदल दूं और उस लड़की का क्या होगा जिसकी जिंदगी उससे बर्बाद करती है? अपने किए की वो खुद जिम्मेदार है, मेरा भाई नहीं। सुम्बुल, गलत बात में भाई को डिपेंड मत करो। I don't want to talk about it anymore. तुम प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज सुम्बुल जाओ यहाँ से। सुम्बुल, मॉम। सॉरी उमेर, मॉम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बात करता हूँ आपसे। अस्सलामुअलैकुम। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कल नहीं आ सकूंगी टेस्ट के लिए। आप प्लीज किसी और दिन के लिए स्केड्यूल कर दें। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को नहीं पता चल सकता कि उनकी माँ को कैंसर है। वो संभाल नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे बिल्कुल। और अगर टूट जाएंगे तो मैं तो वक्त से पहले ही मर तुम्हारे इस तरह रोने और आंसू बहाने से तुम क्या समझते हो कि मेरा दिल मोम हो जाएगा? गलतफहमी है तुम्हारी। गलत मेरी थी मॉम, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब आपकी कोई बात नहीं टालूंगा, जो कहेंगे मैं वो करूंगा मॉम। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया ना मैंने आपको। अब मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। I'm sorry, Bob.
देखें आप रिलैक्स रहने की कोशिश करें, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। डॉक्टर साहब इसकी तो वो हालत हो गई थी कि हम लोग घबरा गए थे। जी बिल्कुल, ये खुद कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगी। मुझे घर जाना है, आप प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दें। तो आप अच्छे प्रोग्रेस देंगी तो हम आपको छुट्टी दे देंगे। मैं ठीक हूँ, देखते हैं सुबह तक इंशाल्लाह, अगर ठीक रही तो छुट्टी दे देंगे। वैसे डॉक्टर साहब कब तक घर जाएंगे? आप परेशान ना हो, चंद दिन हम उनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। वैसे माशाल्लाह साहब बहुत बेहतर है, मैं शाम में फिर चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, अब्बू और बच्चों को हैं? अब्बू तुम्हारे घर गए हैं सादिया से मिलने। अम्मी। जी बेटा। मैंने अहमद भाई के सामने, परेशान मत हो, डॉक्टर ने मना किया ना ज्यादा सोचने से। सो जाओ थोड़ा सा। उमेर की मम्मी हूं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वा कर तुम्हें घर ले जाने आई। खामोश। कश्यप निकाह शुरू करें।